हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अकेले फतेहाबाद जिले में पराली जलाने के अब तक 600 मामले सामने आ चुके हैं। पराली को आग लगाने के मामलों में तेजी आ रही है, जिससे आसमान में धुआं बढ़ता ही जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी पराली पर आग लगाने के मामलों की रोकथाम को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिल पा रही। कृषि विभाग की सख्ती ग्रामीणों पर बेअसर साबित हो रही है। किसान चोरी छिपे रात में अपने खेतों में आग लगा रहे हैं, वहीं पराली की आग को बुझाने के लिए कृषि विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। खेतों में आग लगाने की सूचना मिलने पर कृषि विभाग के कर्मचारी दौड़ दौड़ कर आग बुझाने में जुटे हैं। तो दिल्ली एनसीआर की जो हालत हुई है, उसका अहम जो वजह है वो हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से पराली जलाई जा रही है उसके कारण है। और बार बार रोकने के बावजूद भी, किसानों को बोलने के बावजूद भी, सिलसिला जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। नतीजन ये कि कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें सतर्क रहना पड़ रहा है, और जैसे ही आग लगने की खबरें मिल रही हैं तो तुरंत ही अधिकारी दौड़े दौड़े चले जाते हैं खेतों में और आग बुझाने में जुट जाते हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, जैसे भी जब भी हमें सूचना मिल रही है, पूरा प्रशासन, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, अभी भी आपको हमारी पूरी टीम फील्ड में मिलेगी। दिन रात का कोई टाइम नहीं है, कोई रात के 10 बजे नहीं है, 2 बजे नहीं है। जिस टाइम भी हमें सूचना मिलती है, हम लोग खुद तुरंत उस पर मौके पर जाकर कार्रवाई कर रहे हैं और खुद बुझा रहे हैं।